के बिजली आउटसोर्स कर्मचारी द्वारा बिजली कर्मचारियों को पीएफ के पैसे नहीं दिए गए, इसलिए विद्युत प्राइवेट कर्मचारी संघ द्वारा सुजालपुर कार्यपालन अभियंता व थाना प्रभारी को कर्मचारियों द्वारा ज्ञापन दिया गया। बिजली कर्मचारी संघ द्वारा बताया गया कि 250 कर्मचारी का पीएफ का पैसा ठेकेदार रतन एम्पोरियम द्वारा नहीं दिया गया है। इनमें कुछ कर्मचारियों के चेक वितरण किए गए, लेकिन बैंक में पैसे नहीं होने के कारण चेक बाउंस हो गया। एक कर्मचारी का लगभग 3 वर्ष का पीएफ का 72,000 रुपया बना, जिसमें से किसी को 25,000, किसी को 30,000 देकर समझाइश दी गई। इसी को देखते हुए कर्मचारी संघ द्वारा संबंधित अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। शाजापुर से मुकेश अहिरवार की रिपोर्ट। पहले बार दिया हमें, ठीक है, ये डबल खा दिया। उन लोगों के चेक स्टॉप हुए हैं, बाकी और कोई रीजन नहीं है। कंपनी पैसा देना चाह रही थी, दे भी रही है। अरे सर, ये पहली बार है, झूठ बोल रहे हैं सर। सर, कंपनी के पास में इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि किसको कितना पैसा दिया है। इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है अभी तक, क्योंकि इनके पास यदि रिकॉर्ड होता तो ये 20,000 के चेक बाउंस नहीं होते, ये स्टॉप नहीं करते इन लोगों। तुमने उनका क्लियर भी होगा, डबल कैसे दे देंगे जब इनके पास काम चल रहा है। सर, सब लिए दिए काम चल रहा है, बिल्कुल 72,000 बनाए, 10,000 रुपए पैसा मिल रही है। मैंने अभी गरीबों का पैसा अधिकारियों में बता रहे हैं कंपनी वाले। लग रहा है कि मेरा ये इशू है, देखिए मैं भी एक छोटा कर्मचारी हूँ कंपनी का, तो आप कंपनी का अधिकारी, अगर जो भी इश्यूज हैं आप मेरे को अभी लिखें, डी साहब आएंगे उनसे चर्चा करके मैं अपनी कंपनी में कोई बात कर मांग रहे हैं। सर, ये सर कई बार दीजिए, अरे कई बार चक्कर लगा रहे हैं। देखो मेरे 15,000 गाड़ी से जाते हैं, 200 किलोमीटर वहाँ इनके ऑफिस में जाते थे, वहाँ अभद्रता। बताइए आपका? देवराज। देवराज जी, अभद्रता पूर्व व्यवहार होता था वहाँ की जगह। केसर सिंह मोहिल सर, मेरा तो मिला ही नहीं है अभी कुछ भी। मेरा नाम राजेंद्र बरेठा है, मैं खोखरा कला ग्रिड से ऑपरेटर हूँ। हमारा लगभग 72,000 रुपए पीएफ का बन रहा है, इन्होंने 35,000 रुपए हमें दिए हैं, बाकी का पैसा ये कंपनी हमें नहीं दे रही है। कंपनी का नाम है श्री धार के नाम से कंपनी दी है 3 वर्ष पहले, और अभी हमारा पैसा